होता है कि जितने भी उलमा थे 14,000 उलमा को उन्होंने फांसी का फंदा लगाया था और शहीद किया था। उसके बाद ये होता है कि अब बरतानिया के एक वफ्द आता है हिंदुस्तान के अंदर और आने के बाद ये कहते हैं कि भाई बताओ कि हमारे अंग्रेजों की हुकूमत किस तरह से वापस जा सकती है, अंदाजा लगाओ। अब जब वो हिंदुस्तान के अंदर आए, आने के बाद उन्होंने देखा कि जब तक उलमा और कुरान मौजूद रहेगा उस वक्त तक अंग्रेजों की हुकूमत बाकी नहीं रहेगी।